जी नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार का दिन है और 28 अप्रैल 2018। आइए जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है ताकि हमारे लिए हालात बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएं। मेष राशि वालों के मन में नुकसान की चिंता बनी रह सकती है, पर कमियों और परेशानियों की ओर सोचते चले जाना इंसानी फितरत है। फिर भी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने होंगे कि आप किसी अच्छाई और किसी उपलब्धि की ओर देखें ताकि आप उस अच्छाई की ओर बढ़ भी सकें। हर कमी को दूर कर लेना भी मुश्किल है और हर अच्छाई को पा लेना भी मुश्किल है, फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। वृषभ राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान हैं। लोग भी आपको नहीं समझ पा रहे, पर अनजाने में कोई ना कोई ऐसी बात होती चली जा रही है जो होनी नहीं चाहिए। मिथुन राशि वाले घर परिवार के प्रति जागरूक भी हैं और समर्पित भी हैं, और इस प्राथमिकता को निभाते हुए आपके कामकाज की स्थिति मध्यम होती चली जा रही है, इसलिए हर चीज के लिए समय भी निकालना होगा ताकि हर चीज संभली रहे। कर्क राशि वालों की अपनी मेहनत कमजोर पड़ रही है और ये इस समय की सबसे बड़ी गलती है। ये और बात है कि आपके लिए जिंदगी का सुख फिर भी किसी न किसी रूप से बना ही हुआ है, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद। सिंह राशि वालों के मन में अपने पैसे की स्थिति को बेहतर करने की इच्छा बहुत है, पर इस समय फिर भी वो सब कुछ नहीं हो पा रहा जैसा कि आप चाह रहे, बल्कि उसका बुरा असर ये हो रहा है कि आपका पैसा कहीं फंस सकता है, इसलिए अपनी आमदनी पर भी और अपनी बचत पर भी नजर रखनी होगी। कन्या राशि वालों के लिए बहुत कुछ ऐसा है जिसमें भरोसा जगाए रखने की जरूरत है, जबकि आप हर छोटी बात को किसी न किसी बड़ी समस्या के रूप में देखते चले जा रहे, उसमें आपके पैसे से जुड़ी इच्छाएं और आकांक्षाएं भी शामिल हैं। तुला राशि वालों के लिए नुकसान उतना नहीं बना हुआ जितना कि आपने अपने मन में परेशानियों के रूप में बना रखा है, पर बड़ी परेशानी यह है कि आपके लिए हालात उस रूप से नहीं उभर पाए जैसे कि आपने योजना बनाई थी, इसलिए बढ़ती हुई देनदारी का बोझ आपके ऊपर कुछ ज्यादा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार बने हुए हैं, पर आपके मन में सुकून की फिर भी कमी रह सकती है। हर समय की अपनी ही अहमियत होती है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, तब जाकर आप पैसे और रिश्तों से जुड़े तालमेल को संभाल पाएंगे। धनु राशि वालों का कामकाज के प्रति झुकाव अच्छा है, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर फिलहाल हालात आपके पक्ष में नहीं, इसलिए किसी भी तरह की अच्छाई को उभरने में थोड़ा सा और समय लग सकता है। मकर राशि वाले चाह रहे हैं कि हालात आपकी पूरी तरह से मदद करें, पर अभी भी कुछ नया होने के लिए वक्त लग सकता है। लोगों से जो आप उम्मीद लगा रहे हैं, शायद उसमें भी किसी न किसी तरह की कमी बनी रहे। कुंभ राशि वालों के लिए परेशानियां बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपका मन बहुत परेशान है, इसलिए हर छोटी बात भी पहाड़ की तरह लगनी शुरू हो गई है। अपनी मानसिकता को भी संभालना होगा और अपनी किसी भी तरह की लापरवाही से भी आपको बचना होगा। मीन राशि वाले लोगों से जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ आपकी पकड़ में रहेगा, और ऐसे में अपनी गलतियों को संभालने की भी मदद मिल जाएगी। पर साथ ही साथ ये भी समझ लें कि आप लोगों से कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना लगाएं इस समय में। ये था जी आप सबके लिए आज का राशिफल। धन्यवाद।